अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस लिंक से अपना स्टेटस चेक करते रहा करें, जिना यूनिवर्सिटी का लिंक है ये, तो इस लिंक से अपना स्टेटस चेक करते रहा करें। यानी दो इस लिंक पर क्लिक करेंगे ना, दो खाने आएंगे, ऊपर लिखा होगा इसमें मुस्तकदिम, नीचे कलिमतुल मरूर। इसमें मुस्तकदिम में वो जीमेल जो अकाउंट यूनिवर्सिटी में बनाई थी, और नीचे कलिमतुल मरूर में वो पासवर्ड जो आपको भेजा जाता है कलिमतुल मरूर के नाम से दाखिला भेजने के बाद, वो लिखें और ये चेक करते रहा करें क्या आता है। आजकल कईयों का आ रहा तख्त दरासा और मरफूज या तख्त दरासा, इन दोनों में से एक आना कुछ दिनों तक। मरफूज का मतलब होता है रिजेक्ट और तख्त दरासा का मतलब है ज़ेरे गौर। तो अल्लाह करे साहब का तख्त दरासा से कबूल की तरफ ही जाए, मरफूज की तरफ ना ही जाए। और बाद जिन्होंने इसी जी मेल पर जिस पर उन्होंने इस साल अप्लाई किया, मुराद यानी पिछला साल जो ख़त्म हुआ है, दिसंबर में दाखिले बंद हुए हैं, जो जिन्होंने पिछले साल इसी जी मेल पर अप्लाई किया था, उनका मिसाल अगर मरफूज हो गया था, तो इस साल जो किया है और इम्तिहान भी दिया सब कुछ है, तो उसमें वो ये ध्यान में रखना है कि वो ऊपर वाला मरफूज पिछले साल का है, पिछला जो इस साल भेजा है वो तरतीब में उसके नीचे आ जाता है, तो वो जो इस साल भेजा है वो देख लेना है कि उसका क्या आ रहा है, नीचे वाला देखना ध्यान से। अगर दो हो जाए किसी के, एक ही जी मेल पर दाखिले, वैसे आमतौर पर ज़्यादा एक ही होंगे, ये उस वक्त है जब आपने वही जी मेल पर दोबारा इस साल दाखिला भेजा हो जिस पर पहले भेजा था, तो ये उस सूरत में होगा।